नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। आज के इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के भड़कने के मेन कारण का, साथ ही जानेंगे कि इस युद्ध से हिंदुस्तान पर किस तरह का असर पड़ सकता है। गाजा पट्टी की कैसी नाकेबंदी कर रही इजराइल, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध भड़का तो क्या होगा, हिंदुस्तान पर किस तरह का असर होगा, कौन से प्रोजेक्ट इजराइल में भारत के हैं, क्या भारत इस बवाल को समेट सकता है। गाजा पट्टी से इजराइल पर हुआ हमला बादलों से बिल्कुल खाली आसमान से बिजली गिर जाने जैसा ही कहा जाएगा। गाजा पट्टी आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन का एक अलग थलग छोटा सा इलाका है। एक तरफ जरा सा इजिप्ट से सटा है तो बाकी हर तरफ से इजराइल से घिरा है। हर तरफ से यानी कि हर तरफ से। गाजा पट्टी एक समुद्र तटीय क्षेत्र है और इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से बनती है, लेकिन पिछले 16 सालों से इजराइल ने इसकी 100% समुद्री नाकाबंदी कर रखी है। लिहाजा उसे ये इत्मीनान था कि गाजा पट्टी से ना तो कोई चीज समुद्र के रास्ते बाहर जा सकती है और ना ही कहीं बाहर से अंदर आ सकती है। फिर भी आश्चर्य की बात तो ये है कि 7 अक्टूबर की सुबह इसी पतली सी पट्टी से हजारों रॉकेट इजराइल बस्तियों और सैन्य ठिकानों पर बरस पड़े। इजराइल से इसे अलग करने वाली ऊंची मजबूत फौलादी बाड़ बुलडोजर से तोड़ डाली। जी हां, उग्र फिलिस्तीनी संगठन हमास के जत्थे अपनी निर्धारित सीमा पर करके इजरायली सैन्य ठिकानों और बस्तियों पर टूट पड़े। इस हमले के टीवी विजुअल इतने विशद और दिल दहला देने वाले थे कि न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक ढांचे में बौखलाहट छा गई और ताबड़तोड़ हर तरफ से बयानों की बौछार शुरू हो गई। ये बयान परस्पर विरोधी थे, लेकिन पश्चिमी वर्चस्व वाले मीडिया में एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ में नाटो से जुड़े ज्यादातर मुल्कों ने इसे सीधे तौर पर आतंकी हमला कहा और इससे मुकाबले के लिए इजराइल को हर तरह की सहायता देने का वचन दे दिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आतंकवादी हमले की निंदा की और संकट की इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही। दूसरी तरफ ईरान ने प्रतिक्रिया का दूसरा छोर पकड़ते हुए हमास के हमले को लेकर प्रसन्नता जाहिर की, जबकि अरब लीग ने फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों की बात की और उनकी याद दिलाई कि हमास का ये जवाबी हमला काफी समय से जारी इजराइल के एक तरफा हमलों का ही परिणाम है। सऊदी अरब, रूस और चीन ने स्थितियों को बेकाबू ना होने देने की अपील की और दोनों पक्षों से संपर्क में होने की बात कही, जबकि यूएई ने नागरिकों को प्रति उनके प्रति बताया जा रहा है कि संवेदना जताई। ये सारी प्रतिक्रियाएं हमास हमले के पहले दिन और खबरें प्रसारित होने के 2-3 घंटों में आ गई थी। जब इजराइल की जवाबी कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी, इससे पता चलता है कि इजराइल फिलिस्तीन टकराव का बारूद दोबारा भड़क जाने को लेकर कैसी चिंता दुनिया में व्याप्त है। यूक्रेन में जारी लड़ाई ने पहले ही पूरी दुनिया में फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन को बढ़ा रखा है। इसके समानांतर अगर खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव का दायरा बढ़ गया तो इसका सीधा असर सबसे पहले तेल और गैस की और भी ज्यादा महंगाई में दिखेगा, जिससे कई अर्थव्यवस्थाएं खड़े खड़े बहर जाएंगी। जाहिर है बाकी दुनिया की तरह भारत की भी सबसे पहली कूटनीतिक चिंता इस टकराव का दायरा समेटने की होगी कि किसी तरह से टकराव गाजा पट्टी तक ही सिमटा रहे, फिलिस्तीनी मुख्य भूमि वेस्ट बैंक इससे ना जुड़े। जी हां, इसकी जरूरत अभी भारत के अन्य किसी भी देश से कुछ ज्यादा ही है। सुरक्षा और गुप्तचरी से जुड़े बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए इसराइल पर भारत की निर्भरता बनी हुई है। पूंजी और तकनीक के कई सारे धागे देशों को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा इजराइल के जिस मध्यवर्ती तटीय शहर हैफा में विशाल बंदरगाह बनाने का ठेका एक भारतीय प्राइवेट कंपनी के पास है, इसी के साथ ही वो गाजा पट्टी से ज्यादा दूर नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोप को जोड़ने वाला गलियारा बनाने की जो महत्वाकांक्षा योजना हाथ में लाई गई थी, उसकी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी इजराइल है। इस योजना की बुनियाद ही इजराइल, भारत और अमेरिका यूएई के बीच हुआ I2U2 समझौता है, जो गाजा से शुरू हुई लड़ाई के अरब इजराइल या फिर यहूदी मुसलमान टकराव का रूप लेते हैं लंबे समय के लिए खटाई में पड़ जाएगा। जाहिर है गाजा की आग को जल्दी ठंडा करना जितना बाकी दुनिया के लिए जरूरी है, भारत के लिए ये उससे कई ज्यादा जरूरी है।
आग भड़कने का सबसे ज्यादा खतरा ईरान की तरफ से है, जो फिलहाल एटम बम बनाने के बहुत ही करीब पहुंचा हुआ बताया जा रहा है। इजरायली रणनीतिकारों ने पिछले कुछ महीनों में ऐसी राय खुलेआम जाहिर की है कि उनकी वायुसेना को ईरान के एटमी ठिकाने समय रहते नष्ट कर देने चाहिए। ऐसी किसी भी आशंका से निपटने के लिए इसराइल को खुद ही व्यस्त रखना ईरान की रणनीति हो सकती है। ऐसे निर्णायक मसलों में कोई देश किसी का दबाव नहीं मानता, फिर भी भारत इस स्थिति में है कि साझा मित्र रूस से मिलकर ईरान को लूप में बनाए रखे, एक स्वतंत्र शासन इकाई का रूप फिलिस्तीन को देने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पारित हो चुका है। लेकिन इसराइल की जबरदस्ती और अमेरिकी दबाव ने किसी से जमीन पर नहीं उतरने दिया। जी हाँ, हालत ये हो गई कि ना जाने कितनी पीढ़ियों से जो इलाके फिलिस्तीनियों के रहते आए थे उन पर इजरायली कॉलोनियां कट चुकी हैं और फिलिस्तीनियों के लिए परमिट लेकर वहां दिहाड़ी मजदूर बनना ही बच गया है। इतने बड़े अन्याय को कालीन के नीचे डालकर तरक्की के सपने देखना कोई सहज स्वाभाविक बात नहीं। बहरहाल दुनिया की सारी बड़ी ताकतें, यहां तक कि सऊदी अरब जैसे फिलिस्तीन के संरक्षक भी जब इस मामले को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं तो भारत अलग से इसमें क्या कर सकता है। फिर भी ये लड़ाई ठंडी हो ले तो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का निपटारा होना चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इन फ्यूचर कोई भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।